ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण, आइए भक्तों श्री विष्णु पुराण शुरू करें। पहला अंश, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। पहला अध्याय, ग्रंथ का उपोद्घात। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाव, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी अर्थात दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे उत्पन्न होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मन्वंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भुगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसीलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरअपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पिता महावशिष्ठ जी ने उन्हें अध्याय दिया, तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलस्त्य जी बोले,
तुमने चित में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्च छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्ताय जी के इस प्रकार कहने के अनंतर फिर मेरे पिता महा भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्ताय जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्ताय जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है, अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने पर मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता है तथा यह जगत भी वे ही हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।